स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे एक चिकन फ्राइड राइस, या फिर आप इसे मिक्स फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे खाने की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे। तो एक चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें बासमती चावल की जरूरत पड़ेगी। जो हम लोग बिरयानी में यूज करते हैं वही चावल का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इस कटोरी से इसमें एक कटोरी चावल डालेंगे। हम आपको एक नए तरीके से चावल दिखाएंगे। हमने इस कटोरी से एक कटोरी चावल लिया, अब हम इसी कटोरी से एक कटोरी और चावल लेंगे। तो हम इसी कटोरी से एक कटोरी और चावल ले रहे हैं। तो हम इस कटोरी से दो कटोरी चावल लिए हैं। आपके घर में जितना भी मेंबर हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इन चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे फुला के रख देंगे आधी घंटे के लिए पानी में ही। तो हम इन चावलों को अच्छी तरह से धोकर इसमें हम पानी डालकर अब हम इसे आधी घंटे तक इसी तरह से रखेंगे। आधे घंटे बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, अभी हम पानी रखेंगे। तो आप कोई भी एक बर्तन ले लें जिसमें आप चावल बनाते हो, आप उस बर्तन को ले ले। उसमें हम इस कटोरी से, हम लोग ने दो कटोरी चावल लिया था, तो हम लोग इसी कटोरी से चार कटोरी पानी लेंगे। चार कटोरी से थोड़ी सी कम आप पानी ले, क्योंकि हम लोगों ने आधे घंटे तक चावल को भिगो के रखा था इसीलिए। तो ये दो कटोरी पानी हुई हमारी, तीन कटोरी और यहाँ पर हम लोग तीन कटोरी पानी हम लोग पूरा कटोरी से ही डाले थे, लेकिन जो चौथी वाली कटोरी से हम लोग पानी दिए हैं एकदम देख रहे हैं आप, थोड़ा सा करके दिए हैं। आप एक कटोरी से थोड़ा सा ही कम ले, ज्यादा कम ना ले। और हम लोग इसमें ये पानी डाल देंगे। अभी हम लोग गैस का फ्लेम जला देते हैं और पानी जब थोड़ा बॉयल होने लगेगा तब हम लोग इसमें कुछ। तो हम गैस जला दिए हैं, अभी पानी बॉयल हो जाए। तो पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम कुछ गरम मसाले डाल दिए, जैसे एक दालचीनी, दो इलायची। आप गरम मसाले डाल दें इसमें, खड़ा गरम मसाला। और यहाँ पे हम एक चम्मच नमक डालेंगे और यहाँ पे हम दो चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे। तो अब हम इन चावलों को छान लिए थे, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब हम इन चावलों को मिक्स कर लेते हैं इसमें। अभी हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पे हम आधा नींबू का रस लिए हैं, अब आप इसमें इसको डाल दें। नींबू का रस डालने से हमारा राइस जो है एकदम फ्रेश होके निकलेगा, एकदम व्हाइट कलर का। अभी हम नींबू को भी इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब आप ढक्कन लगा दें और 5 मिनट तक आप हाई फ्लेम पे चावल को पकने दें। 5 मिनट बाद फिर आप लो फ्लेम करके 10 मिनट तक चावलों को पकने दें। उसके बाद आपका चावल एकदम खिला खिला निकलेगा। यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुका है, आप चावलों को बीच बीच में भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारा चावल कितना खिला खिला, ये देखिए कितना सुंदर से हमारा ये चावल पूरा अच्छे से कुक हो चुका है, पूरा नीचे से भी। तो आप इसको ढक्कन लगा के रहने दें, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम चावलों को इस तरह से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें चावल में जो फ्लेवर होता है वो रह जाता है, पानी में ही रह जाता है। अगर हम लोग पानी को छान देते हैं तो उसमें से उसका अच्छा वाला जो फ्लेवर होता है चावल का वो निकल जाता है। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा टफ लग रहा हो या फिर नहीं बनाना है तो आप नॉर्मल प्लेन चावल जिस तरह से आप बनाते हैं छान कर, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। हमारे इस तरह से चावल टूटते भी नहीं है, बहुत अच्छे से खिले खिले चावल रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। मिक्स फ्राइड राइस बनाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर कुछ बोनलेस चिकन ले लिए हैं और हम इसको अच्छे से कट करके इसको धो लिए हैं। आप चिकन अगर धोते हैं, जब मार्केट से आप चिकन लेकर आते हैं तो आप उसमें थोड़ा नींबू डालकर थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें तो हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्रेश हो जाता है। तो हम इस चिकन को भी उसी तरह से किए हैं और इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। आप मार्केट से भी इस तरह से कट करके ला सकते हैं, हम इसको अपने घर पर ही इसे कट किए हैं। तो अभी हम इसमें हम एक चम्मच से एकदम थोड़ा सा कम हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अगर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा बस जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, गोल मिर्च पाउडर। हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डालेंगे, ये एक चम्मच से एकदम कम है, थोड़ा सा कम है।
इसे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी आप ऐड कर दें और थोड़ा सा नमक। और अब इन सभी चीजों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इन चीजों को मिक्स करके आप थोड़ा सा इसके अंदर एरा रोट या फिर कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें चिकन का सॉफ्टनेस बना रहेगा। हम अगर थोड़ा सा इसमें अगर आप एरा रोट मिक्स कर देते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर जो आपको मन हो, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ते हैं। तो हमने इसमें नींबू का रस डाल के इसको हम लोग मिक्स फ्राई कर लें। तो आप इन सभी चीजों को मिक्स करके पहले साइड कर दें। और अभी हम अंडा लेंगे। हम दो अंडे का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे दो अंडे को डाल दिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर। अब इन चीजों को आप इसमें मिक्स कर ले अच्छे से। तो हमने अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा रेस्टोरेंट जैसा फ्राइड राइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी हम इसमें एक चम्मच बस ऑयल डालेंगे और अपने अंडे को अच्छे से इसका भुजिया बनाएंगे। तो ऑयल हमारा इसमें गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें अंडा को ऐड कर देते हैं। हम इसमें अंडे डाल दिए हैं। हम इसे एकदम रेस्टोरेंट के जैसे टेस्ट के जैसा बनाएंगे। अभी आप अंडे का एकदम अच्छा सा भुर्जी बना ले एकदम हल्का ऑयल डालकर। तो हमने ये अंडे का भुर्जी बनाकर रेडी कर लिया है। अब आप इसको निकाल लें। तो हमने भुर्जी को निकाल लिया। रिफाइन ऑयल डाल देते हैं। अभी हम लोग चिकन को भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल भी पूरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर चिकन डाल देते हैं। तो आप सभी चिकन को एक साथ डाल दें। अच्छे से तो आप गैस का फ्लेम लो करके इसके उसको थोड़ा सा ढक दे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तो अभी आप इसको अच्छे से भून ले चिकन को, अच्छे से ये टोस्ट हो जाए। तो इन चिकन को हम लोग और अच्छे से भून लेंगे। तो हम लोगों ने चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब आप इन सभी चिकन को एक प्लेट में निकाल लें। तो हमने सभी चिकन को निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। जैसे हम यहाँ पर प्याज लिए हैं, अदरक और लहसुन को मैं बारीक काट ली हूँ और कुछ हरी मिर्ची, दो चार हरी मिर्चों को मैं इस तरह से कट करके रख ली हूँ। कुछ गाजर्स ले लिए हैं हम, बीन्स लिए हैं और शिमला मिर्च लिए हैं। तो अब हम इसी ऑयल में पहले हम लोग यहाँ पर अदरक और लहसुन को जो हम लोग बारीक काट करके रखे थे अभी हम लोग ये ऐड कर देते हैं। तो आप इसको हल्का सा सॉटे कर ले। अब हम इसमें हमने जो प्याज कट करके रखा था हम लोग ये डाल देंगे और हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं पहले और थोड़ा सा भून लेते हैं इसको। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्चों को भी आप जैसे इसमें मिक्स कर ले। तब इन सभी सब्जियों को एक साथ ही डाल दे। तो यहाँ पे हम बीन्स भी डाल दे रहे हैं, गाजर भी डाल दे रहे हैं। अब आप इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर ले। आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे। नमक डालकर इसे हम लोग थोड़ा सा पका लेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और नमक को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं पहले। अब आप इसे ढक कर थोड़ा सा पकने दें। आप गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दें। तो अभी हमारी सब्जियां भी पक चुकी हैं। अब आप गैस का फ्लेम हाई कर दें और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दें। तो हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिए हैं। आप इसे मिक्स कर लें। आप इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे थोड़ा सा और पका लें। आप इसमें थोड़ा सा गोलमिर्च पाउडर भी ऐड करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा डाले हैं
अभी हमारा सब्जी भी बहुत अच्छे से पक चुका है और ये भून भी चुका है, फ्राई हो चुका है पूरा अच्छे से, आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसमें हमारा जो चिकन था ये भी डाल देते हैं, और हमने जो अंडे बनाकर रखे थे हम ये भी डाल देते हैं। इन सभी चीजों को मिक्स कर ले एक साथ। हम अब इसमें राइस ऐड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा राइस ऐड कर करके इसे मिक्स करें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम लोग हल्का राइस देके पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें फिर से राइस डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा राइस करके इसको मिक्स करते जाए ताकि सभी चीज इसमें अच्छे से राइस में मिक्स हो जाए। हम सभी राइस को अच्छे से इसमें डालकर मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही बस हम ऐड किए हैं। और हम इसमें पहले भी नमक डाले थे सब्जियों में, फिर अंडे में, चिकन में, राइस में भी, तो अब बस हल्का सा इसमें और नमक डाल दें। आप एक बार टेस्ट कर ले, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख ले क्या अगर आपको नमक लगेगा कि नहीं। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए हैं और हम इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड करेंगे। एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर के लिए इसमें शुगर ऐड करना बहुत जरूरी है, तो इसमें हम थोड़ा सा एकदम शुगर ऐड किए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च, अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। तभी हम लोग इसमें सभी मसाले जो जो हमें डालना था हम डाल दिए, एकदम ये कॉमन मसाले हैं, और इसको भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। तो हम अभी इन सभी चीजों को अच्छे से इसमें डालकर मिक्स कर लिए हैं। हमारा फ्राइड राइस बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हम चिकन फ्राइड राइस को सर्व कर दिए हैं। हम इसे देसी चिकन के साथ सर्व किए हैं, आप इसको चिली चिकन के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी दोनों ही वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करें, आपको मेरे देसी चिकन और चिली चिकन की वीडियो मिल जाएगी। तो ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा खाने में इसका टेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे खाने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।